हाय अवरी वन वेलकम टू रिश्चल जी के क्लासेज तो सी टेट एस एस टी का हमारा टेस्ट होता है हर संडे को और आज जो है हम करने वाले हैं जो आपका अगस्त में हुआ था मतलब जनवरी के पहले आपको पता है अगस्त में आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें पेपर टू एस एस टी से रिलेटेड और उस समय भी सोशल साइंस का रिजल्ट अच्छा नहीं गया था मतलब बहुत ही कम लोग ही पास हो पाए थे बट ये आप क्वेश्चन पेपर खुद देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हैं वो भी जो कि आपकी एन सी आर टी से भी रिलेटेड है तो आज जो है स्टार्टिंग में ही आपके कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं, देखते हैं हमारे कितने प्रश्न हो पाते हैं बट आपको पूरे स्कोर बताने हैं कि कितने कितने में से आपके नंबर बने हैं और आपने जो किताबें पढ़ी हैं आप उसका रिवीजन कर भी रहे हो या नहीं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज हमारा 500 लाइक्स का फिर भी, फिर से टारगेट है देखते हैं कितना कंप्लीट होता है तो चलिए आप देख सकते हो कि बाइलिंग है तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं होगी साइड में आप इंग्लिश के भी क्वेश्चंस देख के आंसर दे सकते हैं देखते हैं देखिए जो पहला ही प्रश्न है अभी आपका वो हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्र से रिलेटेड है और इलेक्शन भी चल रहा है तो इस ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा तो निम्नलिखित ये देखिए ये सोशल साइंस का ही है ठीक है तो यहां पर देखिए बेसिकली यहां पर पूछ रहा है कि इसमें से आपको ना सही ऑप्शंस का चुनाव करना है जो करेक्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट मतलब इन चारों में से जो सबसे बेस्ट है वो आपको बताना है तो निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करो लोकतंत्र में लोग किन किन हमारा जो डेमोक्रेसी है उसमें लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो विद्यार्थियों के द्वारा कुछ उत्तर नीचे दिया गया है बच्चों ने बताया होगा कि इस इस तरीके से हम जो है लोकतंत्र का हिस्सा बन सकते हैं तो कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषय अनुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है तो इसमें से आप देखिए और इसमें से देखिए कि कौन सा ऐसा आंसर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स की कि स्टूडेंट्स uh, ने क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझा है साथ में उसका एबिलिटी uh, कि वो किस तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंसिव मतलब टू द पॉइंट आंसर देता है ठीक है समझ गए तो यहाँ पर उनके उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन वो आपको बताना है समझ गए ना सिंपल सी बात है बस ये इस चीज को अपने माइंड में रखो कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं पहला ऑप्शन है कि लोकतांत्रिक लोक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं जैसे कि जन भागीदारी संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता क्या ये प्रश्न होगा या फिर मतदान मतलब कि हम वोटिंग के थ्रू जो है लोकतंत्र का हिस्सा बन सकते हैं धरना हो गया रैली हो गया या जो भी सोशल मूवमेंट्स होते हैं इसके थ्रू हम लोग जो है इसकी भागीदारी हो सकते हैं ठीक है उसके बाद से आपका लिखा है चुनाव में मतदान तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल एक वोटिंग को रखा है सामने बस हम वोटिंग के थ्रू थो थोड़ी ना डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट करते हैं हम अपनी बात रख सकते हैं पीसफुली तरीके से धरना भी दे सकते हैं सोशल मूवमेंट में भी शामिल हो सकते हैं तो यहाँ पर बस चुनाव को लिख दिया इसलिए गलत है अगला प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी कर, करते हैं सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं भारत में यह अवधि पांच वर्ष की है इसने भी यही सेम चीज बोल दिया कि हम केवल वोटिंग के ही थ्रो जो है अपने लोकतंत्र में जुड़े हुए हैं तो ये भी गलत होगा ये भी देखिए इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है ना कि हम सब जो है वोटिंग धरना रैली सामाजिक आंदोलन इन सभी तरीकों से जो है जुड़े हुए हैं अगर आप पहला प्रश्न देखें तो यहां पर इसने एक सबसे मेजर पॉइंट्स को ही हटा दिया लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं यहां पर ये तो बताया ही नहीं गया कि भाई हम किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं तो ये जो प्रश्न पूछा है है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर सेलेक्ट करना अदरवाइज चारों इतने पॉजिटिव वे में लिखे होते हैं ना कि समझ में नहीं आएगा तो सबसे बेस्ट है कि हम जो है वोटिंग धरना रैलीज एंड सोशल मूवमेंट तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं आप ये देख सकते हो कि इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में ना थोड़ा समय जाता है इसलिए प्रैक्टिस जरूर करो नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का तो क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है सबसे पहले आपको यह प्रश्न देखना है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार करो ये मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है जैसे कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है साप्ताहिक बाजार जो वीकली मार्केट होता है आपने देखा होगा ना कि वो तो किसी एक स्पेसिफिक डे पे लगता है जैसे कि आपने सुना होगा मंगल का मार्केट बुद्ध का मार्केट हर एरिया में जो है आपके एरिया में कौन सा मार्केट लगता है मंगल बाजार बुद्ध बाजार तो कहीं पे संडे को होता होगा तो साप्ताहिक तो वीक में ना कुछ डेज फिक्स होते हैं हर जगह ये अलग हो सकता है बट ये हर दिन ही लगता है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल मॉल तो आप जानते ही हैं जहाँ पर आप जाते होंगे वो तो हमेशा अपने एक स्थान पर रहता ही है तो इन्होंने बोला कि देखो भाई ये मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है तो विद्यार्थियों ने कुछ उत्तर दिए हैं तो आपको किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुल मतलब अंतर कर पाने की क्षमता को प्रदर्शन करने में असफल दिखता है ये देखिए ये छोटा सा वर्ड है ना ये आपके क्वेश्चन को सही भी कर सकता है गलत भी ठीक है इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर तो बड़ा पॉजिटिव में लिखा है कि अंतर करो बताओ किस साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है और नीचे लिखा है कि कौन सा अंतर किस उत्तर में विद्यार्थी जो है अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल है मतलब कि फेल है तो गलत वाला ही आंसर सही होगा इस चीज को ध्यान रखना तो चलो देखते हैं पहला साप्ताहिक बाज़ार में बिकने वाले जो सामान होते हैं वो सस्ते दरों पर खरीदे जा सकते हैं जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही जी हाँ आपने सुना होगा ये मार्केट जो लगते हैं ना इसमें बहुत सस्ते दाम पे सामान मिलता है बट आप शॉपिंग मॉल में जाइए वहाँ पे तो कोई भी चीज़ आपको मतलब कि पाँच सौ से नीचे तो कुछ मिलेगा ही नहीं चाहे आप कोई कपड़े लेने जाओ खाने पीने जाओ बहुत ही महंगी होती है सब लोग नहीं खरीद सकते हैं साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहता है जी हाँ साप्ताहिक दुकान बाजार में मान लो आप कोई चीज़ खरीदे आप अगली बार जाइए ना रिटर्न करने के लिए आपको वो दुकानदार मिलेगा नहीं लेकिन मॉल में क्या है कि एक जगह पर ही स्पेसिफिक प्लेस पर वो दुकान फिक्स है कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना है आपको वो दुकान मिल जाएगा अगला देखिए साप्ताहिक बाजार जो है वो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहर में जी हाँ देखो साप्ताहिक बाजार ऐसा नहीं है कि केवल शहर में गांव में भी लगता है शहर में भी बट मॉल क्या आपके गांव में कोई मॉल है बिल्कुल भी नहीं ये शहर में ही होता है जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो ये बात भी सही है तो ये जो हमारा थर्टी टू है इसके जो हमने तीन ऑप्शंस पढ़े हैं तो इन तीनों में तो हमें एकदम सब कुछ डिफरेंस सही में पता चल गया कि आ, साप्ताहिक में सामान सस्ती मिलती हैं शॉपिंग मॉल में महंगी मिलती हैं साप्ताहिक बाज़ारे में जो है इस परमानेंट दुकान नहीं होती हैं शॉपिंग मॉल में दुकान लंबे समय तक रहता है साप्ताहिक बाज़ार आपको पता है गाँव और शहर दोनों में होता है जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहर में होता है बट ये जो फोर वाला ऑप्शन है इसको ध्यान से देखिएगा नहीं तो बहुत सारे लोग गलती कर देंगे सबसे पहले तो दिमाग में रखना है कि तुल, तुलना करना है और असफल वाला आंसर बताना है आप मुझे एक चीज बताओ जो साप्ताहिक बाजार होती है क्या वो एक स्पेसिफिक डे पे ही हर जगह लगता है हर जगह का दिन अलग हो सकता है ना कहीं पर संडे को लग रहा है कहीं पर ट्यूजडे को कहीं पर वेंसडे को तो यहाँ पर लिखा है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं स्पेसिफिक डे दिन निश्चित नहीं होता है वो दिन कुछ भी हो सकता है हर जगह कभी डेज अलग अलग हो सकता है जबकि शॉपिंग मॉल मल्टी स्टोरी होती हैं जिनमें विभिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं ये तो बात चलो ठीक है बट ये निश्चित लगाकर इसने गलत कर दिया निश्चित दिन नहीं होता है स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक नहीं होता है ठीक है आपने कई बार देखा होगा कि सडनली कोई किसी दिन मार्केट लग जाती है और वहां पे चीजें बड़ी सस्ती मिलने लगती हैं कहीं पर मंगल बाजार लग रहा है तो कहीं पर बुद्ध बाजार लग रहा है तो अलग अलग दिन होता है कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता है साप्ताहिक बाजार का ठीक है तो अगर मैं देखूं तो इसमें अंतर अंतर कर पानी की का जो प्रदर्शन करने में असफल दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर फोर ठीक है तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर अगला देखते हैं थर्टी थ्री देखो कक्षा यहाँ पर देखिए कुछ विद्यार्थियों से न प्रश्न किया जा रहा है जैसे कि मैंने आपको ये कई बार बताया है पृथ्वी से रिलेटेड ग्लोब से रिलेटेड पूछता है तो प्रश्न करते हैं कि भाई ये बताओ अगर पृथ्वी हमारी सपाट नहीं है तो मानचित्र जो होता है वो हमारा वो कैसे सब कुछ सपाट दिखाता है ठीक है ऐसा प्रश्न किया गया है स्टूडेंट से कि हमारी पृथ्वी तो जैसे कि जियोइड सेप में है ना ध्रुवों पर चपटी होती है पूरी थोड़ी न चपटी है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखा रहा है तो इस प्रश्न को संबोधित करने का सबसे अच्छा क्या होगा चलो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि आप उनको जो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं मैप्स होती हैं ना वो दिखाइए मतलब कि सजीवता के साथ यह दिखाओ कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं ग्लोब तो पूरा उसी का नमूना है पृथ्वी का ही विद्यार्थियों को मानचित्र दिखाओ उनको केवल मैप्स दिखा दो उन्हें बोलो कि भाई तुम इसका खुद इसका रीजन फाइंड करो विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाओ सोइंग द ग्लोब टू द स्टूडेंट्स तो इसमें से बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा तो आप भी जानते हैं कि अगर आप उनको एनिमेटेड मतलब एकदम रियल जैसे चीजें दिखा दोगे ना वीडियोस एडिट करके आप उनको दिखाओगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी सपाट नहीं है फिर भी हम मानचित्र पे सब कुछ अच्छे से दिखा सकते हैं तो आप उनको एनिमेटेड जो है दिखाइए सजीवता से दिखाइए कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से ही मिलते जुलते हैं तो ये प्रश्न सबसे बेस्ट होगा अगर वो कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप उनको लाइव दिखाइए

दृढ़ संबंध है इसका तर स्टेटमेंट सही है और इसका रीज़न क्या दिया है कि क्यों आर्ट्स के साथ है क्योंकि यहाँ पर आपको पेंटिंग्स अभी हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में पेंटिंग्स के बारे में पढ़ते हैं मूर्तिकला स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये सब क्या है सामाजिक विज्ञान की ही शाखाओं से रिलेटेड है और इसके प्रमाण को हम निरूपित करते हैं स्टेटमेंट भी एकदम सही है व्याख्या भी सही है क्योंकि भाई है ही सामाजिक विज्ञान का हमारा एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आर्ट के साथ और हम ये सारी चीजें पढ़ते ही हैं तो इसका ये रीजन भी एकदम इसने सही दिया है ठीक है तो ए एंड आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है सो ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलो अब थर्टी फाइव पे चलते हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का कर चयन करो स्टेटमेंट ए एंड बी और आपको इनको पढ़ना है और बताना है क्या सही है क्या और इसमें से कुछ गलत होंगे उसको करो। देखो अनुभविक है, है, है और वो वेरीफिएबल है, मतलब है, है। देखिए जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने आपको कई बार चीजें आपने देखा होगा कि साक्ष में पांडुलिपियां मिली हैं ताम्र जो है अभिलेख मिला है बहुत सारे अभिलेख मिले हैं तो एविडेंस बेस्ड ही तो है हमारा सोसाइटी सॉरी नहीं सोशल साइंस तो एक तो ये साक्ष्य आधारित है दूसरा ये अनुभविक है ठीक है और ये सत्यापन ही मतलब वो वेरीफिएबल है उसको आप वेरीफी सत्यापन भी कर सकते हैं उसका तो इसलिए ये लाइन तो एकदम सही है और बिना साक्ष्य आधारित हम कैसे आ, जो है जो अठारह की क्रांति हो गई उसके पहले जो रियासतें थीं चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई चाहे वो आपने देखा गौतम बुद्ध का हो गया अशोक के बारे में ये सब कुछ इनसे रिलेटेड साक्ष्य मिले हैं इनसे रिलेटेड आपने देखा होगा पेंटिंग्स मिली मिली हैं अभिलेख मिले हैं पांडुलिपियां मिली हैं ये सब क्या है ये साक्ष्य आधारित ही तो है तो ये एकदम सही है और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है मतलब जो हमारा सोशल साइंस है इट्स स्टडी ऑफ इन लीड्स टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सिंगल इवेंट मतलब एक इवेंट मिला बट उसके आपको मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होंगे ठीक है बहुत सारे ये आपको जो है बहुल व्याख्यान की ओर लेके जाता है एक घटना तो ये बात भी सही है ठीक है तो दोनों की दोनों बातें सही हैं तो हम जाएंगे फोर के साथ ये आपकी पैडोगी ही है तो यहाँ पे खुद का दिमाग लगाना है बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में मतलब इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया कि एक महिला है वो नर्स है पुरुष इंजीनियर है इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं जो है ना वो अच्छी नर्स होती हैं किसी ने पूछा भाई कि तुमने क्यों एक महिला का नर्स के रूप में बनाया तो बोला वो अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि उनमें काफ़ी पेशेंस होता है वो सॉफ्ट होती हैं जबकि जो साइंस है उसमें दिमाग लगेगा तकनीकी दिमाग और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि अगर जो लड़के हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड मेल वगैरह सब कुछ कर लेते हैं बट कई बार आपने देखा होगा कि जो इसने रीज़न दिया कि मेल वगैरह वो नहीं कर पा रही हैं तो इसने बोला कि देखो भाई महिलाएं जो है ना वो तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं है तो इसने ये जो कथन दिया है वॉट डज रोज इज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट ये इस तरीके का स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या जेंडर कॉन्स्टेंसी है जेंडर स्टीरोटाइप है जेंडर टाइपिंग है या फिर डिस्क्रिमिनेशन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखियो ये देखो ये एक रूढ़िबद्ध सोच है ये एक स्टीरो सोच है काफी समय से आप सुनते आ रहे हो कि लड़कियां मैथ में नहीं अच्छी हैं लड़कियों को डॉक्टर बनना चाहिए ठीक है लड़के हैं वो इंजीनियर बनेंगे उनका दिमाग बहुत चलता है इन सब चीजों ऐसा नहीं है लड़कियों को मौका नहीं मिलता है उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है और कई बार लोग ये सारी बातें बोल बोल के दिमाग पे एकदम जो है थोप देंगे कि हाँ भाई तुम तुम बायोलॉजी के लिए हो और लड़के मैथ्स के लिए बट ऐसा कुछ होता नहीं एक रूढ़िबद्ध सोच है सो ऑप्शन नंबर टू विल बी राइट ठीक है ये आपका पैडोगॉजी का ये प्रश्न है अगला देखिए थर्टी सेवन विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया इलेक्शन सामने है तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप जरूर करें विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराना है मतलब बच्चों को बताना है कि किस तरीके से चुनाव होता है तो इसके लिए कौन सी सबसे अच्छी आप टीचिंग जो है मेथड यूज करेंगे सबसे अच्छा तो यही होगा ना कि आप क्लास में एक सर्वे करा दो कुछ लोगों को जनता बना दो कुछ लोगों को जो है उम्मीदवार मतलब कुछ लोग इलेक्शन में उठे हुए हैं इसे बच्चों को समझ में आएगा कि किस तरीके से जनता जो है ना वो जुड़ी हुई है जनता का पूरा पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में ठीक है अब कहानी सुना के बताने से तो बेटर है ना कि हम एक ड्रामा करा दे एक छोटा सा नाटक करा दे तो वो सबसे बेस्ट होता है बट यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए बोलो कि भाई देखो जाओ अपने आसपास और चुनाव का सर्वे करो ये कोई इससे बच्चे नहीं समझेंगे कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करा दो ऑर्गेनाइज कर दो इलेक्शन इन द क्लास ये हो सकता है अभी मैंने आपको बताया अगर आप एक ऑर्गेनाइज करेंगे इलेक्शन प्रोसीजर बच्चे उसे बेटर समझेंगे नेक्स्ट है कि स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट्री ऑन अ लोकल इलेक्शन बस बच्चों को कुछ दिखा देने से वो समझेंगे नहीं देखिए अगर आप जब तक उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे जैसे कि अगर मुझे कोई चीज़ आपको सिखानी है तो अगर मैं उस का पूरा जो एक ऑर्गेनाइज करके आपको ही उसमें इंक्लूड कर दूं तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं तो ये बस एक पिक्चर दिखाने से नहीं होगा किसी विशेषज्ञ को बुलाओ मतलब कोई चुनाव में कोई उठा हुआ है कोई एमएलए है कोई एमपी उसको बुलाओ और बोलो कि भाई तुम समझा दो बच्चों को तो उससे भी नहीं समझ में आएगा जब तक कि वो खुद उस रोल में ना आए तो सबसे बेस्ट होता है कि आप ऑर्गेनाइज़ करें इलेक्शन इन द क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव सो ऑप्शन नंबर टू ठीक है थर्टी एट देखिए और ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है आदिवासियों से रिलेटेड है कि आदिवासी और जो चलवासी पशु चारिये होते हैं मतलब कि जो ट्राइबल्स एंड जो नोमैडिक पेस्ट्रोलाइस्ड होते हैं उनके बारे में है तो इनके जीवन के प्रति विद्यार्थियों को आपको ना संवेदनशील बनाना चाहिए ताकि क्योंकि कई बार क्यों आपने देखा होगा लोग मजाक बहुत जल्दी बनाते हैं अभी आपने देखा होगा कि जो यूपी बोर्ड में जो टॉपर है जो लड़की है लोग उसकी मेहनत उसकी काबिलियत नहीं देख रहे हैं सबको उसका बस जो है शारीरिक जो बनावट है उसी पे सबका फोकस है तो कई बार ये सारी चीज़ें बचपन में सिखानी चाहिए ताकि लोग सेंसिटिव रहें दूसरे पर कमेंट करने से पहले तो सेम वही चीज़ है कि द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टुअर्ड्स द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स एंड नोमैडिक पेस्ट्रोलाइज वुड बी आदिवासी चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ सबसे अच्छा इसमें क्या होगा पहला देखो लिखा है कि बकरवालों पर फिर से वही कि आप उनको मूवी दिखा दो एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दो क्या यह सही होगा दूसरा है बट याद रखिएगा कई बार डॉक्यूमेंट्री दिखाना भी बेस्ट हो जाता है बट दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन किससे चीजें पूछ रहा है किस चीज से रिलेटेड पूछ रहा है दूसरा है कि व्याख्यान और सेमिनार व्याख्यान तो कभी नहीं लेक्चर मेथड में बच्चे जो एकदम पैसिव हो जाते हैं वो बस सुनते हैं वहां पे उनके सारे जो सेंसेस हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती है नेक्स्ट है कि एक ग्रुप डिस्कशन करा दो ट्राइबल्स एंड नोमैडिक के बीच में मतलब आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर एक सामूहिक चर्चा करवा दो पाठ्य पुस्तक वाली तो चीजें होंगी ही नहीं क्योंकि हमको बच्चों को संवेदनशील बनाना है और संवेदनशील बनाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हो एक मूवी दिखा सकते हो क्योंकि वहां पर उनकी सेंसेज इन्वॉल्व होंगी ठीक है तो इस तरीके से ये वाला जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्टी का फर्स्ट नेक्स्ट देखो थर्टी विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को स्याम्पट का इस्तेमाल निम्न लिखित में से किस तरह करना चाहिए मतलब कि आपको इंगेज करना है बच्चों को एक ग्रुप डिस्कशन में ऑन यूजेज ऑफ वाटर एंड टीचर शुड यूज द ब्लैक बोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर इनमें से आपको बताना है कि किस तरीके से उसको यूज करना चाहिए ब्लैक बोर्ड का क्योंकि ब्लैक बोर्ड का यूज करना अपने आप में एक बहुत ही बेहतर चीज़ होती है वहां से आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो तो यहाँ पर देखते हैं पहला लिखा है कि संकल्पनाएं विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करो मतलब अरेंज कर दो अरेंजिंग वे में होना चाहिए रिस्पॉन्स अराउंड कॉन्सेप्ट थीम्स एंड इशूज मतलब बच्चे कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो भी आप जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी थीम्स है जो भी इशूज़ हैं आप उसको अरेंज करें अच्छे से कुछ लोगों ने आपने ने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड में लिखने का भी एक तरीका होता है कुछ लोग पहले यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद से देखिए वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं अच्छा उनकी प्रतिक प्रति, प्रतिक्रिया को लिखो बिल्कुल भी नहीं कि जो अपने आप में टॉपर हैं हम बस उसी के रिस्पॉन्स को लिखेंगे जैसे कि मैं क्या करूँगी पहले तो सबसे पहले ये बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर जो है बच्चे जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं और यहाँ पर इश्यूज मतलब पूरा एक लाइन में लिखूंगी अगर कोई रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसके आंसर्स यहाँ पे लिखूंगी थीम्स यहाँ पर लिखूंगी इशूज़ यहाँ पर लिखूंगी ये एक अरेंजिंग वे है बट ये नहीं कि जो हुनहार है जो तेज़ है बस उसी का लिखू ये गलत है विद्यार्थियों को बातों को सुनना लेकिन अभिलेखन आवश्यक नहीं ये गलत है देखिए अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स दे रहा है ना तो अगर आप उसकी चीज़ को बोर्ड पर लिखते हो ना तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और मोटिवेशन भी बना रहता है बच्चों का ये नहीं कि बच्चे आंसर दे रहे हैं आप लिख ही नहीं रहे हो ये गलत है चर्चा में कही गई हर बात को लिखो ये एकदम गलत है हर बात को नहीं लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अदरवाइज आप पूरे क्लास में बस लिखते ही रह जाओगे गलत पहला सही है ठीक है फोर्टी देखिए और ये आप देख सकते हो कि इतने लंबे लंबे तो क्वेश्चन है कि बहुत समय जा रहा है फोर्टी लिखा है कि अ टीचर टेक्स स्टूडेंट्स ऑफ अपर प्राइमरी क्लासेस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आफ्टर फिनिशिंग द लेसन ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द विजिट पर लिखा हुआ है है कि देखिए हमें जो आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ हमने पढ़ाया वो पाठ खत्म हो गया अब एक शिक्षक क्या करेगा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छोटे बच्चे तो ऑबियस बातें नहीं होंगे जो अपर प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको जिला न्यायालय लेके जाएगा कहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो यह अवलोकन उद्देश्य को पूरा कर रहा है अब मैंने पढ़ा दिया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब मैं उसके बाद लेकर जाऊंगी बच्चों को आपराधिक न्याय प्रणाली का जो मैंने पढ़ाया है तो उससे रिलेटेड चीजों को समझाने के लिए कहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ये जो चीजें हो रही हैं ये इन तीनों में से ऐसा कौन सा है जिसके जिसके उद्देश्य को ये पूरा कर रहा है मतलब आपको बेस्ट आंसर बताना है कि आखिर में हमारा मोटिव क्या है उनको लेकर जाना बस सैर कराने तो हम ले नहीं जाएंगे है कि नहीं तो यहाँ पर देखते हैं पहला लिखा है कि न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकील न्यायाधीश और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट सबसे पहले तो मैं बच्चों को मेरा उद्देश्य यही है ना कि बच्चे खुद एक्सपीरियंस करें कि किस तरीके से कोर्ट में जो है आ, काम होते हैं इंटरेक्ट विद लॉयर्स लॉयर के साथ उनका इंटरेक्शन कराना जजेस एंड स्टाफ ऑन द रोल्स दे प्ले जो भी वहाँ पे काम हो रहा है मतलब जजेस का क्या है स्टाफ का क्या रोल है तो ये सारे बच्चे खुद से देखें खुद से अपने देखेंगे सीखेंगे एक्सपीरियंस होगा और उनके सेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे ठीक है ये तो एकदम सही है न्याय पानी में आ, आने वाली चुनौतियों को दिखाओ तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा कर दो बिल्कुल भी नहीं डराना नहीं है हमको उनको बिल्कुल भी डराना नहीं है कि वो पढ़ना ही छोड़ दें अगला देखिए विभिन्न मुद्दों में मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराओ और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करो डराना नहीं है भाई ये तो एकदम गलत है केवल ए सही है ऑप्शन नंबर फोर तो फोर्टी का जो है हमारा चौथा ठीक है ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था अगला प्रश्न देखो निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में एक मिसकंसेप्शन है देखिए सामाजिक विज्ञान के बारे में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे चार दिया गया है चलो देखते हैं कि आखिर में लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं तो फोर्टी में लिखा हुआ है कि यह एक गैर उपयोगी सबसे पहले तो आपने देखा होगा अगर कोई साइंस लेगा तो उसको लोग बोलेंगे हाँ बड़ी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बट अगर कोई सोशल साइंस पढ़ रहा है तो लोग बोलेंगे भाई इसका आगे जाके कोई उपयोग नहीं है ये तो नॉन यूटिले यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट है इसका कोई उपयोग नहीं है इसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी एक तो यही है आम, अभी जो मैंने की बात की, वो ज्यादा बेस्ट है भी से. बल्कि ऐसा नहीं है और भी बोला जाता है कि साइंस में समझा जाएगा इस सोशल साइंस लेके तो तुमको कल हिस्ट्री में रटना है ज्योग्राफी में रटना है पॉलिटी में रटना है रटने वाली चीजें हैं ये गलत है ये भी एक मिसकन्सेप्शन है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल शिक्षाविदों में ही है अभी मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपके ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे नौकरी करने में बड़ी दिक्कत आएगी नौकरी मिलती भी नहीं है और केवल जो है शिक्षा में ही मिल सकती है तो सबके सभी मिसकन्सेपन है तो हम जाएंगे थ्री के साथ ठीक है ए बी सी डी सब गलत धारणा है सोशल साइंस के बारे में तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा विच ऑफ द कॉन्सेप्ट ए टू डी शुड अ चाइल्ड हैव प्रायर नॉलेज अबाउट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टोरिड जोन उष्ण कटिबंध जो है हमें बच्चों को समझाना है तो ए से लेकर डी तक में से किसकी जानकारी आ, मतलब इसमें से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए बच्चों को देशांतर ग्लोब आत्पन अछांस लॉन्गिट्यूड ग्लोब इंसुलेशन एंड लैटिट्यूड तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये चारों क्या होते हैं तो पहले एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो सबसे पहले देखिए जो सूर्यताप है आत्पन है सौर विकरण किसे कहते हैं तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है ना उसमें निरंतर जो है नाभिकीय संलयन चलता रहता है जिससे कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है तो सूर्य अपनी इस उषमा को उर, इस उष्मा या फिर ऊर्जा को विकसित करता रहता है और पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुंचता है हमारे पास ये विकिरण के रूप में पहुंचता है इसे ही हम कहते हैं सूर्यताप आत्पन या फिर सौर विकिरण ठीक है ये पहला डेफिनेशन नेक्स्ट देखो उष्ण कटिबंध जो कि सबसे पहला ही टॉपिक था जिसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं या विश्वत रेखा से साढ़े तेईस डिग्री उत्तर और साढ़े तेईस डिग्री दक्षिण के बीच का भाग होता है ये देखिए जो ये बीच का ये हमारा जीरो डिग्री अक्षांश हुआ ये जो बीच का भाग होता है ना यही होता है हमारा उष्ण कटिबंध और ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है ठीक है उत्तर में ये देखिए मैं इसको कलर को चेंज करती हूँ यहाँ पर ये कर्क रेखा उत्तर में कर्क रेखा और यहाँ दक्षिण में ये ये देखिए मकर रेखा इसके बीच का ही होता है ये जो मैंने आपको बताया ना ये भूमध रेखा के आसपास स्थित होता है ठीक है तो कर्क रेखा और मकर रेखाओं में एक यहां पर जो बीच में है तो कर्क रेखा और मकर रेखाओं में एक सौर्य में एक बार जो है और इनके बीच के पूरे क्षेत्र में एक सौर्य वर्ष में दो बार जो है सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है और जब वो सिर के ठीक ऊपर होगा तो सबसे ज्यादा गर्मी भी यहीं पर होगी उष्ण कटिबंध में तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है क्योंकि पृथ्वी के अच्छे झुकाव के कारण सूर्य की जो अधिकतर उषमा है वह भूमध्य रेखा और उसके आसपास के इलाकों पर केंद्रित होती है ठीक है यह फोटो देख सकते हैं ये है हमारा उष्ण कटिबंध टॉयरिट जोन उत्तर में कर्क रेखा और यहाँ पे ये मकर रेखा इसके बीच में है ठीक है ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंध अब यहां पर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं अक्षांश और देशांतर देखो भूगोल में किसी भी स्थान की स्थिति को मतलब लोकेट करने के लिए प्लेस को लोकेट करने के लिए बताने के लिए उस स्थान का आपको अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर बताया जाता है लैटिट्यूड आपको पता ही है ऐसे जो ये लेटी हुई जो ऐसे रेखाएं होती हैं और लॉन्गिट्यूड जिसे हम देशांतर बोलते हैं ये हो गया हमारा देशांतर तो किसी भी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है ठीक है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी किसी भी स्थान का जो अक्षांश होता है वो धरातल पर उस स्थान की उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है दूसरा ये पॉइंट भी याद रखना क्योंकि कई बार पूछा हुआ है कि जो अक्षांश है या फिर जो देशांतर है इसका क्या यूज है तो किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए हाँ तो हमने अभी अचानक देख लिया अब ये हमारा है दिसान्तर लॉन्गिट्यूड्स ठीक है तो देखो भूमध्य रेखा के साथ समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं देशांतर रेखाओं हाँ को देशांतर की जो है मेरिडियन कहा जाता है क्योंकि एक ही देशांतर पर किसी भी स्थान पर एक ही समय में दोपहर का जो है अनुभव होगा देशांतर जो है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है अर्थात पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए इसको बीच में से विभाजित कर रहा है लॉन्गिट्यूड वेस्ट एंड लॉन्गिट्यूड ईस्ट आप देख सकते हो ठीक है और यहाँ पर एक चीज़ और है ये देखिए देशांतर जो होता है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध ये तो आपने यहाँ से देख ही लिया देन जो है देशांतर की एक डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है क्योंकि भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच का अंतर अधिकतम होता है या ध्रुवों पर न्यूनतम होता है क्योंकि देशांतर जो है ध्रुवों पर अभिसरित होते हैं तो ये हो गया हमारा देशांतर और यहाँ पे मैं पहले ही आपको एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि अगला क्वेश्चन हमारा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हो सकता है देखो और नहीं भी हो तो भी ये आपको जानना चाहिए एटमॉस्फेयर में सबसे पहले तो लेयर याद रखना क्योंकि कई बार पूछा हुआ है ठीक है तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फियर होता है मीजोस्फियर होता है थर्मोस्फियर होता है एग्जोस्फियर होता है कई बार पूछता है कि आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाएं एक सही ऑर्डर में तो ट्रोपो जिसे हम छोभ मंडल बोलते हैं स्ट्रेटो जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं मीजोस्फियर हमारा मध्यमंडल ठीक है प्रश्न ये पूछता है कि जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो ट्रोपोस्फियर में क्यों नहीं उड़ते हैं क्योंकि ट्रोपोस्फियर में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ठीक है अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों उड़ती हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं इसलिए ये प्लेन वगैरह के लिए सबसे अच्छा लेयर है अब ये दूसरा प्रश्न पूछेगा कि जो उल्का पिंड है वो किस लेयर में आकर जल जाते हैं तो वो है हमारा मीजोस्फियर और थर्मोस्फीयर आप फोटोज देख के भी समझ जाओगे जिसमें रेडियो वेव से रिलेटेड जो भी जो तरंगों से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो थर्मोस्फीयर में ठीक है तो फोटोज के थ्रू आपको सारे पॉइंट्स भी याद रहेंगे और अगर आप कहेंगे तो मैं पी डी एफ अगर अभी टेलीग्राम पर भेज दूंगी ये मैंने आपको पहले इसलिए बताया है ताकि अगर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में रहे ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटो मीजो थर्मो एंड एक्जो तो देखिए 42 में अब आप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अब हमने क्या किया टॉपिक्स को समझ लिया बट यहाँ पर क्या है ना कि देखो जानकारी तो सबकी होनी चाहिए बट प्राइमरीली जानकारी किसकी होनी चाहिए उसमें कटिबंध पढ़ाने के लिए तो आप मुझे बताओ ग्लोब के बारे में तो हमें बताना ही होगा क्योंकि पृथ्वी की तरह जो है सारी चीज़ें अगर हमको समझाना है तो बच्चों को ग्लोब की जो है प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए आत्पन भी पता होना चाहिए इंसोलेशन एंड अछांस भी तो ये जो तीन है बी सी डी टू में देखिएगा इसकी जो है बच्चों को प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए सो ऑप्शन टू विल बी राइट ठीक है तो ये हो गया हमारा का दूसरा. देखिए. निम्नलिखित कथनों को पढ़ो तथा सही विकल्प का चयन करो एजर्शन एंड रीजन नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था क्या ये एजर्शन का स्टेटमेंट सही है जरूर बताना दूसरा लिखा है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था औपनिवेशिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री में और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है तो आप क्लासेस वगैरह प्ले में जाकर देख सकते हैं तो देखिए ये दोनों की दोनों बातें स्टेटमेंट सही और ये इसकी सही व्याख्या है क्योंकि जो नागरिक शास्त्र है ना इसे राजनीतिक विज्ञान नामौली में जो परिवर्तन हुआ वो समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए ही था ठीक है और इसका रीजन क्या था क्योंकि जो औपनिवेशिक काल था ना उसमें जो भारतीय स्कूल में जो करिकुलम था वो नागरिक शास्त्र से आया था तो एडजर्शन भी सही है रीजन भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है तो इसलिए हमारा ए एंड आर विल बी राइट ठीक है सो ऑप्शन नंबर फोर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन है कि अगर चाहो तो भी एक दिन में पूरे क्वेश्चन हम नहीं करा सकते हैं ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी गतिविधियां जो हैं वो बच्चों में आ, समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है मतलब कि जो वुमेन्स वर्क है ना इन सोसाइटी तो हमको चिल्ड्रेन के दिमाग में क्रिटिकली थिंकिंग जो है उसको अगर डेवलप करना है तो इन चारों में इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा ये एक्टिविटीज़ हैं ठीक है जिससे कि बच्चों में जो समाज में महिलाओं के काम को लेकर जो एक आलोचनात्मक सोच है ना हम उसको विकसित कर सकें ठीक है तो देखो पहला लिखा है कि विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे नारे लिखवाओ स्लोगन लिखवा के क्या हो जाएगा कि चिल्लाते रहो उससे तो कुछ डेवलप होने वाला नहीं है ये होगा ही नहीं तो ए तो जहां पे है उसको काट देते हैं ये भी खत्म ये भी खत्म नेक्स्ट विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है ये प्रश्न क्यों है क्योंकि अगर एक महिला वर्किंग है फिर भी उसको घर आएगी तो उसको घर का काम करना होगा बट एक अगर जो पुरुष है वो वर्किंग है वो घर आएगा फैमिली के साथ रह रहा है तो उसको घर आके काम नहीं करना है तो ये एक सही आंसर होगा विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाओ और इससे उनका नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहो क्योंकि आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होती हैं ना वो बहुत आगे हायर तक सारे गर्ल्स की बात नहीं कर रही हूँ कुछ ऐसे होते हैं जो लोग पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनकी शादी जल्दी हो जाती है और बीच में वो पढ़ाई भी अपना ब्रेक कर देते हैं तो ये भी एक अच्छा जो है चर्चा हम इस पर कर सकते हैं सो बी एंड सी ठीक है ऑप्शन नंबर थर्ड चलिए ये भी हो गया आप पैंतालीस ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ तक करते हैं बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कर लेंगे देखिए शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए किस प्रश्न को पूछा जा सकता है ठीक है तो देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इसमें से कौन सा सही होगा पहला लिखा हुआ है कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच तीन अंतर बताओ क्या ये सही हो सकता है आप मुझे बताइए ये तो नहीं होगा ना क्योंकि हमको आलोचनात्मक एक क्रिटिकली जो है विचार कौशल दोनों विकसित करना है तो इसके लिए ये प्रश्न तो सही नहीं होगा कि बस तीन अंतर बता दो अगला देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी नहीं होगा अगला देखते हैं कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का एक बोझ जो है ना वो चिकित्सक और जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनके ऊपर ज्यादा पड़ा था ये आपने देखा ना कोरोना के समय में तो क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन जायज है अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए और ये बेस्ट आंसर है क्योंकि इसमें रीजन साथ में एक तर्क भी दिया हुआ है तो ये होगा हमारा बट अगला देख लेते हैं कि आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं स्थानीय राज्य या केंद्र में किस स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि हमसे क्या प्रश्न पूछा है कि शासन व्यवस्था के विषय में आप कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार इन दोनों को विकसित करना है और इसके लिए ये प्रश्न सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि वीश आओ हाउ द पैंडमिकड मतलब कि जो कोरोना का समय था आपने खुद देखा होगा कि उस पर सबसे ज़्यादा जो बर्डन था ना डॉक्टर्स एंड जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स थे उनके ऊपर था तो आप हम ये सोच सकते हैं कि डू यू थिंक एनी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज बाय देम डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फ्रॉम द गवर्मेंट इज जस्टिफाइड सपोर्ट योर आंसर विद रीजन्स तो ये सबसे बेस्ट होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये थी हमारी क्लास और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा शाम को मिलते हैं पाँच बजे नेक्स्ट बी के टेस्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग